देख सकते हैं, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये आपको BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आ रही है वैकेंसी। और इसमें आपको यहाँ पर JEE और AE की वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट होंगे, जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर दीजिएगा। इसमें डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप BE BTECH कर रखें तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो डिप्लोमा होल्डर्स है या ग्रेजुएट BE BTECH कर रखे हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। जो भी लीडिंग ब्रांच है सभी के लिए वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सअप ग्रुप पर मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे ही जो भी वैकेंसी आती रहती है खास करके JEE की, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको जरूर से बताता हूँ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, जिनसे हमें मोटिवेशन मिलती रहती है आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन यहाँ पर लाने के लिए। बहुत सारे ऐसे अपडेट जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता तो आपको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाती है, वहाँ से ज्वाइन होकर कोई भी अपडेट मिस नहीं करोगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें इसकी इंपॉर्टेंट डेट की, तो इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट है यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है इसकी 6 सितंबर से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है 30 यहाँ पर सितंबर दी गई, 6 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच में अगर आप इसमें एलिजिबल होंगे और इंटरेस्टेड होंगे तो जरूर से इसको अप्लाई कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से ब्रांच वाले एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर देख पाओगे जो पोस्ट का नाम है JEE है, लेकिन जूनियर एग्जीक्यूटिव जो आपको JEE का जूनियर इंजीनियर की इक्विवेलेंसी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है सभी कुछ सेम है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 ईयर का इन मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और केमिकल। ये सभी ब्रांच से अगर आप लोग कर रहे हैं डिप्लोमा तो यहाँ पर आप एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर लीजिएगा। और मिनिमम 60% आपके पास मार्क होना चाहिए 55% SC ST कैटेगरी के लिए। वहीं पर बात करें यहाँ पर कौन कौन से ब्रांच के लिए, तो मैकेनिकल देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में EEE वाले भी, इंस्ट्रूमेंटेशन में, ये सभी एलाइड ब्रांच भी दिए गए तो ये सभी से भी कर रखें तो भी अप्लाई कर पाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल में सिविल और केमिकल में केमिकल, तो ये सभी ब्रांच से अगर आप लोग कर रखें या बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल। और जो AE लेवल का है वो है एसोसिएट एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर नाम दिया गया एसोसिएट एग्जीक्यूटिव जो इंजीनियरिंग में ही है, इसमें भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में BE BTECH है और ब्रांच सब वही है सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। ये सभी ब्रांच से अगर आप लोग कर रखे हैं BE BTECH तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ये यहाँ पर ब्रांच अलग से भी यहाँ पर दी गई है। तो इसमें ये AE लेवल का जॉब है और जो ऊपर बताया मैंने वो आपको JEE लेवल का था। एक चीज़ यहाँ पर दिया गया कि इसमें मिनिमम यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 3 ईयर का। जो AE लेवल का जो भी पोस्ट है इसमें आपको 3 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर आप देख पाओगे मिनिमम 3 ईयर ऑफ कंटिन्यूस पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। किस फील्ड में है तो यहाँ पर दिया गया है तो आप इसको देख लीजिएगा। और बात करें यहाँ पर आपको JEE लेवल का, तो JEE लेवल में यहाँ पर जो एक्सपीरियंस दिया गया है ये आपको मिनिमम 5 ईयर का दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस में 1/9/2023 के अनुसार से मिनिमम 5 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट वर्क में एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें कि यहाँ पर दिया गया ऑपरेशन या मेंटेनेंस, प्रोजेक्ट रोल इन पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर काम किए हैं तो आप उसको लगा करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था इसका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्राइटेरिया। अगर आप फुलफिल करते हैं तो जरूर से इसमें अप्लाई कर लीजिएगा, अगर नहीं करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जो भी आपका ब्रांच हो या आप फ्रेशर हैं कि एक्सपीरियंस है या एक्सपीरियंस कितने ईयर का है तो आप हमें जरूर से बताइएगा ताकि मैं आपके लिए जरूर से वीडियो लेकर के आऊँगा या वैकेंसी की जो भी डिटेल होगी मैं आपको आसान भाषा में सभी वैकेंसी लेकर के आता हूँ। जो भी उसका अप्लाई करने का लिंक होता है सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है और टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी सभी नोटिफिकेशन या लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है तो वहाँ से भी ज्वाइन होकर के रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, यहाँ पर आपको सभी अपडेट मिलती रहती है। और एक पोस्ट है यहाँ पर आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव अकाउंट में, जिसमें कि यहाँ पर आप नॉन टेक्निकल फील्ड की वैकेंसी है जिसमें आपको CA इंटरमीडिएट ये पास हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और एक पोस्ट है यहाँ पर आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी एश्योरेंस में, जिसमें कि यहाँ पर दिया गया कि BSc कर रखें 3 ईयर का तो अप्लाई कर पाएंगे और मैं डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग से कर रखें तो भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस की, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहने वाले हैं। तो यहाँ पर 6 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में इसको अप्लाई कर पाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक है इसके वेबसाइट का या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा डायरेक्ट, वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिया गया है तो आप इसको भी फॉलो करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसमें कितनी एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करने होंगे, तो UR, OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पर 590 रुपये एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करने होंगे, जबकि आपको जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो SC ST और PWD कैंडिडेट हैं उन लोगों को यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ी आपको पे नहीं करना है। एप्लीकेशन फ़ी जो है आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग के माध्यम से पे कर सकते हैं। आपको इसमें अप्लाई कर देना है ओनली ऑनलाइन, उसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी हार्ड कॉपी इसका सेंड नहीं करना है इसके एड्रेस पर। और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, डाउट है, क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं, इनके तरफ से आपको जवाब दिया जाएगा।
बात करें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें लिखा गया कि मल्टी स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। अगर जितने भी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसके अनुसार से, और जो भी रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, सभी का यहाँ पर रिटन टेस्ट या CBT एग्जाम्स होगा। उसके बाद यहाँ पर ग्रुप टास्क या पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन होने वाली है। बात करें इसकी सैलरी की, तो जो JEE लेवल की यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, इसमें आपको यहाँ पर 30 से लेकर के 1,20,000 के बीच में सैलरी है, और AE लेवल में आपको यहाँ पर 40 से 1,40,000 के बीच में, ये बेसिक पे है। इसमें आपको TA, DA, HRA सभी कुछ आपको मिलेंगी, जो कि आपकी ग्रॉस सैलरी जो बनेगी आपको अच्छी खासी सैलरी बन जाएगी। जैसे कि 30 है तो आपको यहाँ पर 10-15,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे जो आपको ग्रॉस सैलरी बनती है, तो आपको 40-45 और इसमें आपको 50-55 के बीच में मिलने वाली है। इसमें आप ऑल इंडिया से कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं तो जरूर से आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नहीं दिया गया। 1 सितंबर इसका कट ऑफ डेट यहाँ पर रहने वाली है। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। जो भी मेन इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन, डाउट, क्वेरी अगर रह गया होगा तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनसे हमें मोटिवेशन मिलती रहती है। और यहाँ पर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर से ज्वाइन होकर करिएगा। बहुत सारे ऐसे अपडेट आती है, बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती है जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता, तो आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाती है, तो वहाँ से अगर आप ज्वाइन होगे तो कोई भी अपडेट मिस नहीं करोगे। कमेंट सेक्शन में जो भी आपका ब्रांच हो, कौन ब्रांच से आप डिप्लोमा किए हैं, कौन ब्रांच से आप BE BTEC किए हैं, कौन से ट्रेड से ITI किए हैं, जरूर से बताइएगा, ताकि आने वाले जो वैकेंसीज होंगी आपसे रिलेवेंट आपको जरूर से देखने के लिए मिलेगी। अगर आप लोग टेस्ट बुक पर अभी तक साइन अप नहीं किया या टेस्ट बुक के बारे में आपको नहीं पता है तो आप लोग विजिट कर सकते हैं टेस्ट बुक पर। यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स के एस्पायरेंट्स हैं, किसी भी जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। 70,000 प्लस यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, 17,000 यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर के टेस्ट मिल जाते हैं, यहाँ पर आप रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये आपको मिलेगा सभी चीज़ एक जगह पर, जो कि टेस्ट बुक है, वहाँ पर आपको जाना होगा। उसका अभी ऑफर चल रहा है, उसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ऑफर लिंक से आप लोग डाउनलोड कीजिए, अपना साइन अप कीजिए। अगर आप पहले से आपके फोन में होगा तो वहां पर अप्लाई कूपन कोड दिखेगा, उस पर जाकर के आपको यह कूपन कोड अप्लाई करना है, PKO3PL। ये आपको कूपन कोड अप्लाई करोगे तो इंस्टेंट 10% का वहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा किसी भी पास को अगर आप बाय करते हो। टेस्ट बुक का 2 पास आता है, एक नॉर्मल पास, तो नॉर्मल पास में ओनली आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, और पास प्रो अगर आप बाय करते हो तो यहाँ पर आपको ये सभी चीज़ अल्सो इसमें इंक्लूड होंगे, ये सभी चीज़ आपको पास प्रो में देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप लोग PYQ लगाना है तो आप लोग पास प्रो को आप लोग परचेज कीजिएगा, अगर आप लोग PYQ नहीं लगाना है तब आप लोग नॉर्मल पास को परचेज कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको डिप्लोमा, BE BTEC और ITI ओनली टेक्निकल फील्ड की जॉब्स वैकेंसी की अपडेट मिलती रहती है, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल सिलेक्ट जरूर से करके रखिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलेगी। और बहुत सारे ऐसे जॉब वैकेंसी आते हैं जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता, वो मैं अपने टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल देता हूं, तो आप लोग जरूर से ज्वाइन होकर करिएगा। सभी का जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। और आप कमेंट सेक्शन में अपना जो भी ब्रांच है, कौन ब्रांच से आप BE BTEC कर रखें, कौन ब्रांच से आप डिप्लोमा कर रखें, या कौन से ट्रेड से ITI कर रखें, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं आपसे रिलेवेंट आपको देखने के लिए मिले।